क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 2.4 से एक्सरसाइज हमें थर्ड पार्ट एक्स क्यूब प्लस 13x² + 32x + 20 को फैक्टराइज करना है, यानी इसके फैक्टर्स पता करने हैं। तो इसको पता करने से पहले मैं सपोज करूंगा कुछ वैल्यूज़ को, जिन x की जिन वैल्यूज़ को मैं सपोज करूंगा अगर उसको इसके अंदर पुट करूं तो ये पूरा ज़ीरो हो जाना चाहिए, और x की जिन वैल्यूज़ पे ये पूरा पॉलीनोमियल ज़ीरो हो जाएगा उस x से मैं एक फैक्टर निकालूंगा और इस पूरे पॉलीनोमियल को उससे डिवाइड करूंगा। क्योंकि इसकी डिग्री जो है 3 है तो इसके 3 फैक्टर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। x को अगर मैं 0 मानूं और इसके अंदर पुट करूं, जहां जहां x है यानी एक्स क्यूब यानी 0x 0 का क्यूब और 3x² यानी 0² और 32x यानी 0 + 2। अगर मैं देखूं यहां पे 0 + 0 और यहां पे भी 0, तो यहाँ पे सिर्फ 20 बचेगा, यानी x की वैल्यू 0 को पुट करने पर ये टर्म 0 नहीं हो पाई। इसका मतलब x ये जो है यहाँ से हमारा फैक्टर नहीं आ पाएगा। अब मुझे x की वैल्यू अगर मैं -1 लूँ, आपकी मर्जी है, आप x की कोई सी भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं, और जिस वैल्यू को पुट करने से ये 0 हो जाएगा वहीं से आप x फैक्टर निकालेंगे और फर्दर इसको डिवाइड करके और दूसरे फैक्टर पता करेंगे। तो अगर मैं इस पॉलीनोमियल के अंदर -1 पुट करूं, 13x² + 32x यानी -1 + 20, इस पे देखिए पावर जो है वो ऑड में है, तो इसका जवाब -1 ही रहेगा, माइनस में रहेगा, और 1 पे कितना भी बड़ा नंबर आप पावर में रख दीजिए वो 1 ही रहेगा। यहाँ अगर देखूं 1 पे इवन में है पावर मेरी, तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 32 1 से 32 होता है। ये सिंपली हमें ब्रैकेट ओपन करना है और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जब भी ब्रैकेट ओपन होता है तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो फर्दर इसको मैं देखूँ 13 1 से 13 होता है, और ये माइनस का 32 हो जाएगा प्लस 20। अब मैं अगर -1 और -32 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, और 13 + 20 ये प्लस का 33 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस दोनों सेम है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू -1 पुट करने पर इस पॉलीनोमियल के अंदर ये 0 हो चुका है। इसका मतलब यहाँ से मेरा फैक्टर निकल के आ सकता है। तो -1 जब x के पास जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से मुझे फैक्टर पता चल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर x + 1 इज द फैक्टर। तो एक फैक्टर तो आ चुका है, दो फैक्टर इसको डिवाइड करने से आएगा। तो x³ 13x² + 32x + 20, अब ये पूरा पॉलीनोमियल मेरा इस फैक्टर से डिवाइड किया जाएगा बाकी के फैक्टर को पता करने के लिए। अब इसको डिवाइड करने के लिए इसका जो पहला टर्म है यानी x³, इस x से डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड में क्या होता है, पावर जो है सब्ट्रैक्ट की जाती है, तो यहाँ पे मेरा x² बचेगा। उस x² को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो x² × x, x³ आ जाएगा, ठीक है, और x² 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x² 1 से x². इसके बाद हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, और जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे मैं देखूँ ये दोनों सेम है, मगर ये प्लस माइनस में, और प्लस माइनस में हमेशा माइनस किया जाता है, मगर साइन उसी का लगाया जाएगा जो बड़ा होगा, यानी 13 बड़ा है तो ये प्लस का रहेगा, अब प्लस लगाओ या ना लगाओ ये प्लस ही रहेगा, बाकी के जो हैं वो यहाँ पे नीचे लिख लिए जाएंगे। अब 12x को यानी 12x² मेरा इस x से डिवाइड होगा, ये पता करने के लिए कि किससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखूँ मैं x² जो है इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x। अब इस x को यहाँ पे लिख लिया जाएगा, और 12x जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 12x × x, तो पहला तो 12x² हो जाएगा, क्योंकि x × x, x² होता है, और 12x 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 12 1 से 12 होता है, और x इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। यहाँ देखूँ मैं ये दोनों सेम थे, तो प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे भी देखूँ मैं सेम तो नहीं है, मगर प्लस माइनस में माइनस होता है हमेशा, तो 32 में से 12 चले जाएंगे, तो मेरा 20 बचेगा, और इन दोनों में जो प्लस होता है यानी साइन उसी का लगाया जाएगा जो बड़ा होगा, 32 जो है 12 से बड़ा है, तो 32 का यहाँ पे प्लस आएगा। अब प्लस ना लगाएं तब भी ये प्लस ही रहेगा।
इसके बाद जो बचा है उसको लिख लेते हैं। अब किससे मल्टीप्लाई करें हम, मतलब तो उसके लिए मैं इस 20 से 20x को इस x से डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ 20। यानी अब मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे 20 × x 20x मिल जाएगा और 20 × 20 आ जाएगा। यहाँ देखो मैं नंबर सेम है तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब अब मुझे बाकी के जो दो जीरोज हैं, एक जीरो तो ये आ चुका है एक फैक्टर, अब बाकी का जो दो फैक्टर है वो यहाँ से आएंगे इसको स्प्लिट करके। ये वैसे ही स्प्लिट किया जाएगा जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम करते हुए आए हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो पहला टर्म होता है यानी इसका कॉफिशियंट 1 है और जो कॉन्स्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्या करते हैं उसका एलसीएम निकालते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर मैं देखूं 2 × 2 × 5, इन नंबर का इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 20 आ जाए और इन नंबर को प्लस माइनस करके मैं 12 लेके आ जाऊं। तो अगर मैं देखूं 2 × 5 = 10 और प्लस 2 20, 10 × 2 = 20 भी होता है और 10 + 2 = 12 भी होता है, यानी मैं इस 12 को 10x और 2x में स्प्लिट कर सकता हूँ। तो अगली लाइन मेरी जो होगी वो कुछ इस तरीके से 12 को स्प्लिट करके लिख ली जाएगी, यानी 12 की जगह पे मैंने 10x प्लस 2x लिख लिया है। इन दोनों में अगर मैं देखूं, इन दोनों में x कॉमन नजर आ रहा है मुझे, जो चीज कॉमन होती है यानी वो उसी कॉमन से डिवाइड भी होती है, तो ये दोनों x से डिवाइड हो जाएंगे। और इन दोनों में क्योंकि दोनों इवन नंबर हैं, x तो कॉमन नहीं है मगर 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो 2x भी 2 से डिवाइड होगा। जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो उससे डिवाइड भी करते हैं हम, तो x x स्क्वायर को कैंसिल आउट करेगा और x से ये x कट जाएगा, ऐसे यहाँ से 2 कट जाएगा और ये 10 बच जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ x स्क्वायर था तो सिर्फ x बचा और यहाँ पे 10x था तो 10 बचा, और यहाँ देखूँ मैं इस ब्रैकेट के अंदर x बचेगा और यहाँ पे प्लस में 10 बचेगा। अब जो दो बार होता है उसको एक बार लिखा जाता है और बाकी का बचा हुआ x प्लस 2 लिख लिया जाएगा, यानी जो हमारा फाइनल जवाब होगा एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। यानी पहला नंबर तो हमें यहाँ से मिल गया था x प्लस 1 जो फैक्टर था, और बाकी के दो यहाँ से निकल आए x प्लस 10 x प्लस 2, तो ये हमारा जवाब हो जाएगा इस पार्ट के लिए। अब हमें फाइनल पार्ट देखना है इसका अगला।